चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी की टीम एक दूसरे के आमने सामने होगी और ये मैच पॉइंट्स टेबल को भी बहुत ज्यादा कह लेना कि हलचल देने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का स्पेशल एपिसोड और आज इस वीडियो में टेबल का गणित जानेंगे। साथ ही ये भी बताऊंगा कि आरसीबी किस स्थिति में है टेबल पर, क्योंकि अगर यहां से आरसीबी हारती है तो किस तरह से पूरे टेबल पर एक बड़ा भूचाल आने वाला है। पूरा गणित समीकरण समझाने वाला हूं। मैच में थोड़ा सा अच्छा था, इसीलिए लाइक के बटन को हिट कर देना, आप हमारी वीडियोस देख ही रहे हैं, क्योंकि नेट रन रेट का गणित सिर्फ माय क्रिकेट प्रोडक्शन पर ही आपको मिलेगा। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अगर आप चेन्नई के फैन हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, और अगर आप आरसीबी के फैन हैं तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब कुछ कीजिए, मतलब क्या ही बोलूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पॉइंट्स टेबल की। सबसे पहले ये पॉइंट्स टेबल है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा मैं आपको और इसकी तरफ जूम कर बता देता हूँ। ये पूरा पॉइंट्स टेबल चल रहा है और इस पॉइंट्स टेबल को देखने के बाद हम पिछले मैच को जरूर याद करेंगे, क्योंकि केकेआर की टीम ने कहने ना संकट दे दिया है आरसीबी को। केकेआर नंबर 4 पर आ गई है आरसीबी के जस्ट नीचे, 9 मैचेस खेलिए, 4 जीत गए, 5 हारे, प्लस 0.3 का नेट रन रेट है, बहुत अच्छा नेट रन रेट इस पूरे टेबल का, जो कहने ना कि तीसरे नंबर का सबसे अच्छा नेट रन रेट वो केकेआर का है, और 8 टाइम के केकेआर के चल रहा है, बहुत फायदा केकेआर को हुआ है। पिछले मैच में केकेआर जीत गई थी, जिसका नुकसान आरसीबी को कैसे होगा वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि केकेआर जरूर जीती थी पिछले मैच में, हम भी जीते थे भाई, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, माय 11 सर्कल ऐप पर आपके भाई ने फिर हरा दिया था बीवीएस लक्ष्मण को। दोस्तों बीवीएस लक्ष्मण को आपको हराने पर 5 गुना कैश मिल जाता है माय 11 पर, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए, क्योंकि नीचे वाली लिंक से जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे ना इस ऐप को और पहला पैसा डालेंगे तो 1500 रुपए 20% का स्पेशल डिस्काउंट इस ऐप की तरफ से फ्री में मिल जाएगा। 5 करोड़ जीतने का मौका है पूरी प्रीमियर लीग से, तो हर रोज 5 करोड़ वाली लीग मैं तो जरूर खेलता हूं, एक दिन भी लक चल गया तो सीधे 5 करोड़ मतलब झोली में आ जाएगा। उसके अलावा भाई हर रोज 5 गुना कैश भी हम जीत रहे हैं, पिछले मैच के पॉइंट्स आपने देख ही लिए थे, तो 10 रुपए लगाएंगे तो 50 जीतेंगे, 100 लगाएंगे तो 500 जीतेंगे, तो ऐसे भाई इतने तगड़े तगड़े ऑफर इस लीग में कोई सी ऐप नहीं दे रही है, वन ऑफ द बेस्ट ऐप है, बहुत सारे लोग करोड़पति बन गए। फिर बोलूंगा देर मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स खोलिए, माय 11 सर्कल ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और हाँ दोस्तों, हम कैसी टीम लगाते हैं, हम कौन सी टीम से खेलते हैं वो हर रोज आपको बताएंगे, वो कैसे हम बताएंगे वो आगे इसी वीडियो में सुनकर जाइएगा। चलिए अब दोस्तों वीडियो पर आते हैं, फिर से पॉइंट टेबल पर आते हैं। आज मैच होगा चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी की टीम के बीच। सबसे पहले दोस्तों हम चेन्नई सुपर किंग्स की स्थिति को देख लेते हैं, नंबर 2 पर चल रहे हैं, 8 मैचेस खेले हैं, 6 जीते हैं, 2 हारे हैं सिर्फ, प्लस 1.2 का नेट रन रेट, बहुत मजबूत नेट रन रेट है, इस पॉइंट टेबल का सबसे मजबूत नेट रन रेट है। दोस्तों जब आईपीएल इतना आगे बढ़ जाए और आपका नेट रन रेट ऐसा होना तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत राइट ट्रैक पर हैं, तो चेन्नई बहुत राइट ट्रैक पर और टोटल 12 अंक है, इससे ये तो सिद्ध हो गया भाई कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पॉइंट टेबल पर कह लें कि प्ले ऑफ में तो जाने वाले हैं, टॉप 2 में भी जाने के चांसेस है। चेन्नई इतने डेंजर में नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ चेन्नई पहले से ही अच्छी स्थिति में है, तो चेन्नई इतने डेंजर में नहीं है, लेकिन अब बात करेंगे आरसीबी की टीम की, जिसके बारे में आप सुनने आए। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की पहले स्थिति देख लीजिए दोस्तों, पॉइंट टेबल पर नंबर 3 पर चल रहे हैं, 8 मैचेस खेले, 5 जीते, 3 हारे, -0.7 का नेट रन रेट और 10 अंक। इस पूरे पॉइंट टेबल में आरसीबी नंबर 3 पर जरूर है दोस्तों, लेकिन पॉइंट टेबल की अगर बात करें ना तो नंबर 8 पर है, सबसे खराब पूरे पॉइंट टेबल का जो नेट रन रेट है, इवन एसआरएस से भी खराब नेट रन रेट है ना इस समय, वो चल रहा है आरसीबी की टीम का। और अब टेबल पर अगर ये हार जाते हैं ना, आज का मैच चेन्नई आरसीबी जो बड़ा मैच होने वाला है उसमें मान लीजिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम हार जाती है तो क्या स्थिति होगी, अब मैं वो बताता हूं। तो इनके 5 मैचेस जीते होंगे, इनका नेट रन रेट और खराब हो जाएगा, आरसीबी यहां से डिक्लाइनेशन की तरफ जाएगी, अंक इनके 10 ही रहेंगे, अंक नहीं ना घटने वाले हैं ना बढ़ने वाले हैं। तो आज के मैच से क्या असर होगा पॉइंट टेबल पर, उसे बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये गणित कोई नहीं बताता है। लोग पॉइंट टेबल देखकर बोल देते हैं ये नंबर 3 पर है, नंबर 4 पर है, गणित हम समझाते हैं, इसीलिए आप हमारी वीडियोस देखते हैं, और आप पहले भी अगर वीडियोस पॉइंट टेबल का एनालिसिस देखते होगे तो आपको पता होगा कि कैसे ये गणित चलता है। तो अगर भाई यहां पे अब क्या होगा,
कि अगर आज आरसीबी चेन्नई के हाथ हार गया तो इनका नेट रेट माइनस में और बुरा हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों आने वाले समय में कोलकाता नाइट राइडर्स के भी मैचेस बचे हुए हैं 5 मैचेस, उसके अलावा राजस्थान रॉयल्स के 6 मैचेस बचे हुए हैं, मुंबई इंडियंस के 5 मैचेस बचे हुए हैं। ये जो 3 टीमें हैं ना, ये बड़ी इजीली आरसीबी की जगह फ्यूचर में मैचेस में ले लेंगी। स्पेशली दोस्तों आप देखिए केकेआर का नेट रन रेट +0.3 का चल रहा है, इस पॉइंट स्टेबल का टॉप 3 नेट रन रेट इनके पास है। मतलब फ्यूचर में अगर आरसीबी हार गया तो टेबल पर भूचाल मच जाएगा, और ऐसा भूचाल मचेगा जो दिखेगा नहीं। पोजीशन नंबर 3 ही रहेगी आरसीबी की, फिर बोल रहा हूं, लेकिन पॉइंट सेवन पर नेट रन रेट इतना खराब हो चुका होगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम का कि फ्यूचर में आने वाले 5 दिनों के अंदर आरसीबी आपको नीचे खसकती हुई दिखेगी, और इतनी तेजी से दिखेगी कि किसी को कुछ समझ भी नहीं आएगा। दोस्तों राजस्थान अगर एक मैच और जीतता है तो वो आरसीबी की जगह ले लेगा, अगर केकेआर अपना अगला मैच जीतता है तो वो आरसीबी की जगह ले लेगा, अगर मुंबई अपना अगला मैच जीतता है तो वो आरसीबी की जगह ले लेगा। मतलब क्या, चेन्नई के खिलाफ जो मैच हारेगी आरसीबी की टीम, वो आरसीबी को प्लेऑफ की दौड़ से बाहरी, मतलब बाहर फेंकने में, बाहर कम करने में और ज्यादा कमजोर कर देगी, या फिर ये हम बोल दें कि आरसीबी की प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे, जो कि अभी नहीं है। सीधा गणित है, साफ गणित है, आरसीबी की टीम को मैचेस तो जीतना ही है, बड़े अंतर से जीतना है, ताकि ये जो नेट रन रेट -0.7 चल रहा है ये बेहतर हो सके। ये जितना बेहतर होगा उतने आपके टेबल पर बने रहने के चांसेस रहेंगे। एक गणित और बताता हूं दोस्तों, ये गणित भी आपको कोई नहीं बताएगा और इस मैच में आप देखेंगे। दोस्तों जो भी टीम टॉप 4 में रहेगी ना, जो भी टीम टॉप 4 में रहेगी, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, उनका नेट रन रेट हमेशा प्लस में रहेगा। ये आईपीएल का इतिहास है, जो भी टीम टॉप 4 में रहेगी 80% चांसेस है कि उनका नेट रन रेट प्लस में रहेगा। इसका मतलब इस समय जो सबसे बड़ी दावेदार 3 टीमें हैं वो दिल्ली है, चेन्नई है और केकेआर है, आरसीबी नहीं है, क्योंकि आरसीबी बुरी स्थिति में है, नेट रन रेट काफी खराब है। और यही नेट रन रेट का गणित होता है जिसे समझने की जरूरत होती है, क्योंकि फिर वही बात है भाई, आज जरूर कुछ दिख रहा है टेबल पर, लेकिन आज आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं पॉइंट्स टेबल का। यही इस वीडियो में करने की कोशिश की है। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, बताइए आपको चेन्नई आरसीबी के मैच में कौन जीतेगा। माई 11 सर्कल ऐप पर अपना अकाउंट जरूर बना लीजिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। साथ ही दोस्तों रोज हमारी जो टीम होती है हम टेलीग्राम पर देते हैं, तो गूगल पर जाइए, द रियल एमसीपी गूगल पर जाकर सर्च करना, रियल चैनल है, पहली लिंक है, फॉलो कर लेना। मेरे नाम से बहुत फेक चैनल चल रहा है टेलीग्राम पर, इसीलिए बोल रहा हूँ कि गूगल की जो पहली लिंक है वो रियल लिंक है, वहीं से फॉलो करना। और हर रोज टीम मिलती है, कल भी हमने जीता था। लाइक शेयर कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबाइए।